एमपीएल गेट पर चल रहे धरना दे रहे लोगों को प्रशासन ने खदेड़ा है। जिला प्रशासन ने एमपीएल के मुख्य गेट के समीप लागू किया है धारा 144। एमपीएल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील है। धनबाद एसडीएम ने खुद संभाल रखा है मोर्चा। यहां पर निरसा थाना क्षेत्र का ये मामला है। बता दें कि धारा 144 लागू किया गया प्रशासन की ओर से और ऐसे में लोग यहां पर जमा ना हो पाए। बता दें आपको कि मजदूर संगठनों की ओर से नियुक्तियों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और इससे जो ये कंपनी है उसमें कामकाज बाधित हो रहा था। कई बार मारपीट तक की नौबतें आती थी, लगातार विरोध होता था और अब इस मामले में जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई की है। धारा 144 लागू करते हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है और भारी संख्या में यहां पर सुरक्षा बल और पुलिस बल के जवान तैनात हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो इस वक्त फोन लाइन में हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या इस धारा 144 का उल्लंघन करने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि जो पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम होने वाले थे मजदूर संगठनों के, इंटर के, शायद इंटर के, क्या वो हो रहे हैं या उसको स्थगित किया गया है? जी बिल्कुल पक्का। जिस तरह से ये 2-3 दिनों से इस तरह का धरना प्रदर्शन जारी था और अगर विगत कल की मैं बात करूं तो कल वहां पे मजिस्ट्रेट की डिपुटेशन की गई थी कि जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। सबसे पहले पंकज जी मैं ये बता दूं कि आखिर मजदूरों ने ये आंदोलन क्यों किया था, इस तरह का मजदूरों की तरफ से आंदोलन क्यों हो रहा था। तो चूंकि जो मजदूर एमपीएल के अधीन है वहां पे कई ऐसे कॉन्ट्रेक्टर है जिसके अधीन कार्यरत है, उन लोगों को पंचिंग सिस्टम लागू किया गया था। ड्यूटी जो उनकी ऑन होगी वो कार्ड पंचिंग सिस्टम से ऑन होगी, उसका वो मजदूर विरोध कर रहे थे और कई ऐसी अन्य मांगे कर रहे थे जो अभी तक उन लोगों को मुहैया नहीं कराया गया था। उसके उस कारणों को लेकर ही मजदूरों ने ये आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया और धरना प्रदर्शन, कई ऐसे मजदूर नेता थे उसके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को कर रहे थे। और उसके बाद जब कल मजदूर वहां पे आंदोलन कर रहे थे तो मजिस्ट्रेट की डिपुटेशन हुई थी। मजिस्ट्रेट के साथ मजदूरों ने दुर्व्यवहार किया, जो कल के वीडियो ने ये बात बताई है, और जिसके कारण निरसा थाने में FIR भी कई 8-10 मजदूरों के खिलाफ दर्ज की गई है। दुर्व्यवहार का मामला था, वीडियो के साथ भी और पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की का मामला सामने आया था। पुलिस उसके बाद उग्र हुई थी और हल्की लाठियां चटकाई थी, जिसके बाद मजदूरों को तितर बितर किया गया था। लेकिन उसके बाद मजदूरों को शांत कराया गया और शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और लगातार आंदोलन जो मजदूर थे उसमें जुड़ते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन राजेश आप नजर बनाए रहे निश्चित तौर पर, तो एक बड़ी जानकारी आपने दी कि किस तरीके से जो मजदूर है वो एक जगह इकट्ठा ना हो, काम चलता रहे और इसीलिए धारा 144 लागू किया गया। शुक्रिया आपका।